हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में फिजिक्स क्लास टेंथ के 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हो, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, तो उसी चैप्टर का मैं 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग देखिए कि आप लोग 20 प्रश्नों में से क्या 15 का भी उत्तर दे सकते हो, क्योंकि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो अच्छे से देखना, ये आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेगा भी 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं चुन चुन कर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, ठीक है ना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बहुत सारा वीडियो मिल सके। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। ये काश लिख दिए हैं बस, बल्कि यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रकाश होगा, ठीक है ना। तो इसको प्रकाश पढ़ना है। तो प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, सबको याद रखना है, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। और आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कौन ऐसा दर्पण है जिस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों याद रखना, जो आपका अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोग हमेशा याद रखना। और पूछेगा किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग बताना सी नंबर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण का फोकसांतर एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच में संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू। तो अगर आपके ऑप्शन नंबर में कहीं भी दिया होगा एफ बराबर आर बाई टू, आप टिक लगा देना, एफ बराबर आर बाई टू, सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो केवल काल्पनिक होता है, क्योंकि समतल दर्पण में केवल काल्पनिक ही बनता है, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना, बी नंबर आपका आंसर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दोस्तों आप लोग दाढ़ी बनाते हो, हजामत बनाते हो ना, तो हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके प्यार दिखाइए, आप अपना पूरा प्यार बरसाइए, और कमेंट में भर भर के कमेंट करना कि आप लोगों ने कितना का में से कितना का उत्तर दिया, जरूर बताना, सभी लोग जरूर बताना, तभी तो मैं रिप्लाई दे पाऊंगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से क्या लागू होता है। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई जो होता है ना, वो कोण आर के बराबर होता है, याद किए हैं ना आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो एफ बराबर आर बाई टू, तो एफ जो है वो कृत्र त्रिज्या का आधा है ना, तो आधी होती है, आप सी ए नंबर पर टिक लगाना, आधी होती है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दोस्तों उत्तल दर्पण में हमेशा, दोस्तों उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों उत्तल दर्पण में ना हमेशा उल्टा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अगर कहेगा उत्तल दर्पण में हमेशा, हाँ सही है, हमेशा उल्टा ही बनेगा, उसमें आपका उल्टा नहीं बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, आपका सीधा बनेगा, क्योंकि दर्पण उत्तल है ना। अगर आपका अवतल दर्पण रहता ना, तो उसमें सीधा उल्टा दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण है, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब के साथ साथ वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो आंसर 8 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र। दोस्तों ये है आपका दर्पण सूत्र, तो दर्पण का सूत्र बराबर क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U बराबर में 1/F। तो ये आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण। दोस्तों प्रकाश तरंग जो होता है ना, प्रकाश यानी कि लाइट वेव्स, ये आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसको हम लोग प्रकाश को ना हम लोग एक ऊर्जा के रूप में भी देखते हैं। तो आंसर आपका अभी फिलहाल आंसर क्या होगा, इस ऑप्शन में बी होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला देखिए, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। दोस्तों जैसे हजामत बनाने में यानी कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, वैसे ही सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। दोस्तों तो उत्तल दर्पण के रूप में किया जाता है, आंसर आपका सी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, 13 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आप सबको याद होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे मतलब अधिक होती है, तो निर्वात में ही होती है, और कितना होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड होता है, यही आप लोग टिक लगाना। देखो मीटर पर सेकंड पर टिक लगाना, एक्चुअली में सब ऑप्शन में दिया है 3×10^8, लेकिन किसी में सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर किसी में किलोमीटर, किसी में एमएम दिया है, तो मीटर पर सेकंड वाले पर आप लोग टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको बताना है फोकस दूरी क्या होगा जबकि वक्रता त्रिज्या आपका दिया कितना 32। तो f बराबर r बाई टू होता है फॉर्मूला, f बराबर r का मान रख देंगे 32 और बाटा में 2, तो 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो f का मान मिल जाएगा 16। देखिए 16 प्लस में मिलेगा कि माइनस में मिलेगा ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आपका दर्पण उत्तल है तो प्लस में होगा, लेकिन अगर दर्पण अगर आपका अवतल रहता ना तो आपका माइनस में 16 मिलता है, इसलिए प्लस में 16 मिलेगा, उत्तल दर्पण है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक फोकस दूरी किसका होगा, उत्तल दर्पण का होगा ना, अभी न्यूमेरिकल में आपको बता दिया, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, तो आप लोगों ने बताया 2, तो प्रकाश के दोस्तों अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के जब 2 नियम होते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होंगे, तो आंसर आपका मिल जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है जिसको शून्य बोला जाता है, तो कितना होता है 3×10^8 m/s। और आपका अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता पी बराबर होती है, देखिए लेंस की क्षमता पी बराबर दोस्तों लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी कि पी बराबर 1/f होता है, तो डी नंबर वाला सही उत्तर होगा 1/f होता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो आंसर आपका 20 का मिल जाएगा डी नंबर। अब बस आप लोग एक ही चीज़ कमेंट कर दीजिए कि 20 में से आपने 15 पार किया कि नहीं, एकदम बढ़िया से, क्योंकि आप लोग चैप्टर 1 पढ़े हो बढ़िया से, झूठ मत बोलना दोस्तों, इतना टाइम है तो अभी तक आप लोगों ने तो पूरा पढ़ ही लिया होगा चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताना एक बार, ठीक है ना।